सबसे पहले सही भाइयों को जय हिंद। जय हिंद सर। मेरा नाम विजेंद्र चौहान, जेंट पेंस ग्रुप इंदौर। दोस्तों आज हम बात करने वाले एबीसी एक्सरसाइज के बारे में कि एबीसी एक्सरसाइज कब करना चाहिए, एबीसी एक्सरसाइज किस प्रकार से होती है और एबीसी एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है। दोस्तों जैसे हमें बॉडी बनानी है और हम बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, और यदि पूरी बॉडी बनानी है तो हमें अलग अलग दिन अलग अलग वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे चेस्ट के लिए अलग वर्कआउट करना पड़ेगा, ट्राइसेप के लिए अलग वर्कआउट करना पड़ेगा, बाइसेप के लिए अलग वर्कआउट करना पड़ेगा, शोल्डर के लिए अलग वर्कआउट करना पड़ेगा और लेग्स के लिए अलग वर्कआउट करना पड़ेगा। इसी प्रकार रनिंग में यदि इंप्रूवमेंट लाना है तो आपको पर डे अलग वर्कआउट अलग एक्सरसाइज करना पड़ेगी। जैसे आपको कोर वर्कआउट करा, एप्स वर्कआउट करा, लेग वर्कआउट करा, आपको इस प्रकार से एबीसी एक्सरसाइज। तो रनिंग में यदि अच्छा इंप्रूवमेंट लाना है और बिना इंजुरी से बचे आपको इंप्रूवमेंट लाना है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। प्रॉपर हमारे यहाँ टेक्निकल वर्कआउट कराया जाता है, प्रॉपर वर्कआउट कराया जाता है। यदि आप भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा ग्रुप आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो दोस्तों अब हम करेंगे एबीसी एक्सरसाइज स्टार्ट। नंबर वन एक्सरसाइज, इस प्रकार से आपको पंजे के बल दोनों हाथ ऊपर खींचना है और ऐसे चलना है। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको करीबन 40 से 50 मीटर तक करना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको 40-50 मीटर वार्म अप करना है और वापस अपनी जगह पर आ जाना है। इस प्रकार से आपको वार्म अप करना है। दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज। आपको इस पर पंजे पर चलना है, दोनों हाथ कमर पर रहेंगे, पंजे पर आपको खिंचाव आना चाहिए एकदम। दोस्तों ये एक्सरसाइज आप करते हो तो आपको इसको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपकी रनिंग में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा और आपका टाइम बहुत समय से नहीं टूट रहा है। जैसे आपका टाइम जैसे 5:05 आ रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपका टाइम कम हो ही नहीं रहा, तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए, अब हम बात करेंगे थर्ड एक्सरसाइज की। इसको हम हाई नी बोलते हैं। दोस्तों आपको हाई नी से आपके पैर एक तो रनिंग में लंबे आ जाएंगे और आपकी धीरे धीरे स्टेप खुलेगी, इसको हम हाई नी एक्सरसाइज बोलते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको हाई नी एक्सरसाइज करना है। फोर्थ एक्सरसाइज बट किक। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपके पैर पीछे के हिप पे टच होना चाहिए। इस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हो मेरे बच्चों को। फोर्थ एक्सरसाइज बट किक, आपको इसमें पीछे पैर टच करना होता है। दोस्तों आपको इस प्रकार से फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। 40 से 50 मीटर तक आपको एक्सरसाइज करना है, इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा वार्म अप करके आगे की तरफ जाना है। बट किक एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नंबर फाइव एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट पैर के नीचे दोनों हाथ टच करना है। ये पैर एकदम सीधा जाना चाहिए, पैर पे खिंचाव होना चाहिए, पैर एकदम जब आप आगे की तरफ जाते हो तो आपका पैर एकदम सीधा होना चाहिए और नीचे आपका हाथ टच होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से आपके फाइव एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नंबर सिक्स एक्सरसाइज आए, तो इसमें क्या होता है, इसको एक पैर एकदम सीधा जंप लेके और राइट वाला पैर है तो लेफ्ट वाला हाथ रहेगा और लेफ्ट वाला हाथ है तो राइट वाला पैर रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको सिक्स एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। सेवन एक्सरसाइज, इसको हम हनुमान जंप कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, दोनों पैर ऊपर जंप लेके जाना है। ये पहले एक पैर, दोनों हाथ, एक हाथ आगे रहेगा एक पीछे रहेगा, इस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हो। सेवन्थ एक्सरसाइज। नंबर एट्थ एक्सरसाइज, दोस्तों इसमें दोनों पैर एक कंटिन्यू एक बाद एक आपको आगे तरफ लेके जाना है, आपके पंजा आगे तरफ खुलना चाहिए। दोस्तों एट एक्सरसाइज कंप्लीट। यदि आप भी एक्सरसाइज फॉलो करते हो तो आपके रनिंग में बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये वर्कआउट आपको कब करना है, जैसे आप ग्राउंड पर आए, आपने वार्म अप करा, आपने आपको वर्कआउट जो है वर्कआउट करा, इसके बाद आपको एबीसी एक्सरसाइज करना है। एबीसी एक्सरसाइज वर्कआउट आपको मिट्टी पे करना है, ना कि रोड पे। रोड पर भी आप करोगे तो आपको इंजुरी हो सकती है या आपको सीन पे हो सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपको मिट्टी वाले ग्राउंड पे ही ये एबीसी एक्सरसाइज करना है। दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इन कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।